नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरआरबी और आरआरसी की ओर से होने वाली जूनियर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन और एएलपी की भर्ती आपकी 2023 के लिए कब तक नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए क्या योग्यता है, कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर आपकी भर्ती की प्रक्रिया ये होगी, तो सीधे तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। तो जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्त जो हैं वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी जरूर करें। और यहां से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लेते हैं आपका यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट, इसको शॉर्ट में जो बोला जाता है एएलपी बोला जाता है। इसमें रिक्त पदों की यदि बात की जाए तो फिलहाल की कंडीशंस में 2022 दिसंबर तक ये आपके जो पदों की रिक्तियाँ हैं उसको लेते हुए हमने यहाँ पर आपको डेटा पेश किया है, जिसमें 41,329 पद जो है असिस्टेंट लोको पायलट के रिक्त है। टेक्नीशियन की बात की जाए तो रिक्त पदों की संख्या 19,257 के आसपास है दिसंबर 2022 में, और जूनियर इंजीनियर के भी लगभग 31,000 से अधिक पद जो हैं आपके रिक्त हैं। तो टोटल यदि बात की जाए तो देखिएगा, वैसे तो यहाँ पर बात की जाए एएलपी की भर्ती आपकी अलग आती है, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की जो आपकी रिक्तियाँ होती हैं वो एक साथ कंबाइन कर करके आपकी दी जाती हैं, तो ये दो फॉर्म जो हैं अलग अलग आते हैं, लेकिन हमने एक ही वीडियो में सभी को जो है कंबाइन किया हुआ है। रीज़न यही है कि हमारे चैनल पर इसके लिए आपके जो है फ्री लाइव क्लासेज आपके लिए दी जाती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लाइव क्लासेज का जो है यहाँ पर अपनी तैयारी के लिए भरपूर उपयोग करें। यहाँ से यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की, तो इसमें जो आपकी पद हैं वो ये हैं, योग्यता मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके लिए आपको योग्यता में रखना होगा, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर 10th पास मिनिमम होना चाहिए, प्लस में आपके पास जो है ITI का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए योग्य हैं। दूसरी बात की जाए टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में यदि योग्यता की बात की जाए तो इसमें दो प्रकार की योग्यता आपसे मांगी जाती है, या तो आप 12th पास हो PCM से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसको आप बोलते हो, या आप जो है यहाँ पर साइंस के द्वारा जो है आप जो है यहाँ पर 12th पास हो, तो आपको जो है इसमें वैल्यू रखा जाएगा। उसके अलावा यदि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो ITI के साथ आप जो हैं यहाँ पर 10th पास कम से कम होना चाहिए तो आप जो है इसके लिए योग्य हो। यानी कुल मिलाकर के चीजें स्पष्ट हैं, या तो ITI हो या 12th पास हो, टेक्नीशियन के लिए ITI होनी चाहिए जरूरी, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो दूसरी बात की जाए तो इसमें जो है इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी आपसे मांगा जाएगा, यदि आपके पास जो है ITI भी नहीं है तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कम से कम 2 ईयर्स वाला, जिसमें आपने कम से कम 2 वर्ष तक अध्ययन किया हुआ हो। आती है बात जूनियर इंजीनियरिंग की, तो जूनियर इंजीनियरिंग में जो योग्यता है उसमें आपको कम से कम आपके पास जो है यहाँ पर 12th पास आपके पास होना चाहिए, और 12th पास के साथ साथ में आपके पास प्लस में जो होना चाहिए वो होना चाहिए, देखिएगा यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 2 ईयर्स मिनिमम, तो 2 वर्ष का कम से कम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग में। सीधे तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पॉलीटेक्निक का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इसी आवेदन के लिए किया जाता है, और जूनियर इंजीनियरिंग के लिए जो है पॉलीटेक्निक वाले बहुत बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं। तो बात की जाए यहाँ पर, पहली बात यह है इस तरीके की योग्यता के स्टूडेंट जो है कम मिल पाते हैं, तो उतनी हाई कट ऑफ इन चीज़ों की नहीं जा पाती है, तो यहाँ पर सुनहरा अवसर उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं। तो सीधे तौर पर यदि आप बात करें इसकी वैकेंसीज के बारे में कि यहाँ पर आपकी जो भर्ती है वो कब तक होगी, तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2024 में आपका इलेक्शन है, उससे पहले ही 2023 में आपकी वैकेंसी जाएंगी। 2023 के मई या आपकी जो है अप्रैल माह में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, और जहाँ तक संभावना है सेप्टेम्बर या नवंबर तक आपका जो है इसका ऑनलाइन यानी कि CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम के लिए आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। आपका जो एग्जाम है यहाँ पर देखिएगा 2 लेवल में होता है, एक होता है पेपर की यदि इसकी बात की जाए तो पेपर जो है 2 तरीके के होते हैं, पेपर 1 होता है
और एक होता है आपका पेपर टू। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पेपर वन यानी कि सीबीटी वन आपका होगा और सीबीटी टू आपका होगा, यानी कि दो पेपर आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। पहले पेपर के माध्यम से आपको जो है वैकेंसीज के 18 गुना कैंडिडेट जो है चुन करके यहाँ पर आपको जो है आगे की प्रोसेस के लिए यानी कि सीबीटी टू के लिए भेजा जाएगा। सीबीटी टू में भेजने के बाद आपका जो है यदि आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपका एक हल्का फुल्का सा ट्रेड टेस्ट भी होगा, यानी कि जिस ट्रेड से आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ है उसके बारे में आपको वहां पर थोड़ा सा साबित करना होगा कि आपने वास्तविकता में ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है या आपके पास ये फर्जी डिप्लोमा नहीं है। तो सीधे तौर पर मुख्य चीजें जो हैं वो आपका रिटन एग्जाम से सीबीटी वन, और उसको क्वालिफाई करने के बाद आप पहुंचते हो सीबीटी टू में। सीबीटी वन जो है मुख्य रूप से सभी तरीके के सामान्य चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी, जो है अर्थमेटिक्स यानी कि अंक गणित यानी कि सामान्य गणित यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, और जिसके लिए आपको जो है यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा गणित। 30 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। दूसरा है आपकी जो है जीके यहाँ से पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। आपका जो है साइंस पूछा जाएगा, साइंस के लिए आपके जो है 25 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। और आपका जो है यहाँ पर आगे के लिए जो पूछा जाएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा साइंस के लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे, बाकी जो आपके 25 क्वेश्चन हैं उसमें आपसे पूछी जाएगी रीजनिंग। तो ये चार सब्जेक्ट आपसे जो है सीबीटी वन में आपसे पूछे जाएंगे। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको सीबीटी टू देना होगा। सीबीटी टू आपको जो है अपने विषय का देना होगा, यानी कि जिस विषय से भी आप जो है आवेदन करते हैं। टेक्नीशियन के लिए विभिन्न ट्रेड में आपके आवेदन होंगे, जूनियर इंजीनियर के लिए विभिन्न ट्रेड से आवेदन होंगे, एएलपी के लिए आपने जो है आईटीआई जिस भी ट्रेड से किया हुआ है उस ट्रेड के लिए आपके जो है यहाँ पर क्वेश्चन रखे जाएंगे सीबीटी टू में। तो सीबीटी वन आपका जो है मैन है क्वालिफाइंग करना, क्योंकि सीबीटी टू तो आपका वही होगा जो आपने मुख्य रूप से पढ़ा हुआ है अपने डिप्लोमा में, अपनी जो है आईटीआई के कोर्स में। तो यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। बात आती है कि ये जो पद हैं इसमें से कितनी वैकेंसीज आपकी आ सकती है। तो देखिएगा ये जो पद है मुख्य रूप से जितनी भी वैकेंसी रिक्त हैं इतनी पर तो एकदम से आवेदन आपके नहीं होंगे, लेकिन ये है कि जो रिक्तियां हैं उसका लगभग लगभग 60% पर आपसे आवेदन जरूर मांगे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है 24 से 25 हज़ार वैकेंसीज पर एएलपी के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो है 12 से 13 हज़ार वैकेंसीज के लिए आवेदन मांगे जा सकते हैं, वो जूनियर इंजीनियरिंग की भी आपकी यहाँ से 17 से 18 हज़ार वैकेंसीज के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं वीडियो के माध्यम से। यदि कोई डाउट है आपका तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। बाकी आपको जो है फ्री कोर्सेज हमारे चैनल पर दिए जा रहे हैं, आप वहाँ से क्लासेज लें, आनंद लें, बेहतर होगा आपके लिए। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।